अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंट फैशन एंड डिज़ाइन। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने लिए लाई हूँ 2-2 साल के बच्चे के लिए लहंगे के डिज़ाइन का आइडिया। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपने बच्चे को किस तरीके से लहंगा स्टिच करना है। ये इसका मैंने गोल गला बनाया है और साथ जो लैस है इसको डबल करके अटैच कर दिया है, और इसी तरह मैंने पूरे लहंगे पर डबल लैस अटैच की है। ये थी सिंगल, लेकिन मैंने डबल करके की, और ये मोती वाली लैस नीचे जब पहनती है बच्चे तो फिर ज़्यादा लुक अच्छी आती है मोती वाली लैस की। और इसी लैस को मैंने इसी स्टाइल से बाजू पर कर दिया है। ये सिंपल भी है और थोड़ा स्टाइलिश भी है, तो आप देख सकते हैं इतनी प्यारी शर्ट लगी है और थोड़ी लूज टाइप है, क्योंकि इसको आप फिर शरारा भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। और इसके साथ आ जाते हैं इसके दुपट्टे की बारी। इसके दुपट्टे को मैंने चारों तरफ से इसको लैस के साथ अटैच किया है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, वो कम रखी है, और इसको गोल्डन लैस के साथ अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये कपड़ा भी अलहदा से लिया था और इसकी दरमियान एम्ब्रॉयडरी है, और साइड पर ये वाली लैस अटैच कर दी है चारों तरफ। ये बहुत ही शाइनिंग आती है इस लैस में और बहुत प्यारी लगती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा। इसका जो लहंगा है वो फुली घेर में है, अम्ब्रेला लहंगा है, और इसके साथ थ्री जो इसके नीचे कपड़ा है थ्री लेयर में मैंने अटैच किया, और इसके साथ कैंगन भी। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फूल हैं ये गोटी वाले इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, और वही लैस अगेन मैंने डबल करके चारों तरफ इसकी लगा दी है। ये लैस आप सुई के साथ अटैच कर सकते हैं। ये मैंने किया है इसको कैंगन के साथ कवर नीचे वाले को, ताकि जब पहना वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये साइड पर मैंने इसकी जिप लगाई है, देख सकते हैं आप, और ये बेल्ट है इसका। स्टाइलिश के लिए मैंने ये भी ऐड कर दिया, बहुत प्यारी लगती है ये। अब आप इसका फाइनल लुक देखें, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्राई करें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए किस टाइप की। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।